हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे, गार्डनिंग भी कर रहे होगे, अपने अपने फेवरेट कामों में, जो भी आपका फेवरेट काम है उसमें भी व्यस्त होगे। ये देखिए, बारिश के बाद पानी देने का काम बंद होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा काम बढ़ जाता है हमारे गार्डन में, जो कि मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ। और सडन इतनी तेज़ गर्मी, फिर सडन इतना तेज़ बारिश, इससे बहुत सारे प्लांट्स सैपलिंग तो मेरे सारे ख़राब हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, शिमला मिर्च के जो मैंने सैपलिंग रिपोर्ट की थी, तेज़ गर्मी में भी मैंने उनको अच्छे से सेट कर लिया था, बच गए थे, लेकिन दो दिन कंटिन्यू अचानक से ऐसी बारिश हुई कि सब खत्म हो गए। देखिए, मिर्च के जितने छोटे छोटे मैंने प्लांट लगाए थे, एक ऑर्नामेंटल वाले लगाए थे, वो सब मर गए। ये देखिए, तो नुकसान भी बहुत हुए हैं, पर आज बारिश बंद है, कोई ठिकाना नहीं है इस बारिश का। अचानक से बंद भी हो जाए, मतलब जो भी चलना है इनबैलेंस ही चलना है। लोग बोलते हैं कि इंसान कभी किसी चीज़ में खुश ही नहीं रहते, क्या चाहते हैं पता नहीं। तो देखा जाए तो बात भी सही है, गर्मी होती है तो लगता है जल्दी से बारिश हो, बारिश होती है तो अरे यार ये रोज़ रोज़ बारिश, कुछ काम नहीं हो रहा, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो हर चीज़ हमारे अनुकूल तो चल नहीं सकता। नेचर है, मौसम है, वो अपने हिसाब से ही चलेगा और हमको उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, इन द सेंस प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये देखिए, प्लांट्स का कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने इतनी अच्छी अच्छी मिट्टी बना बना के रैन लिली लगा रखी है, कहीं मेरे को एक फ्लावर नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये थोड़े से बल्ब मेरे रह गए थे, तो ये छोटे से कंटेनर में मैंने ऐसे बिना कोई मिट्टी बनाए इसको डाल दिया था। इसकी कलियाँ देख रहे हैं आप, ये दो खिले भी हैं। तो इन प्लांट्स को भी क्या चाहिए, इसको भी समझना ज़रा मुश्किल है। हम लेडीज़ों की तरह बोलते हैं, औरतों को समझना मुश्किल है, वैसी प्लांट्स को भी समझना मुश्किल है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स बने हैं। और बाकी जिनमें मैं मेहनत करके अच्छे अच्छे पॉट्स, अच्छी अच्छी मिट्टी, रिच मिट्टी तैयार की हूँ, उसमें एक भी फ्लावर नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई कलियाँ नज़र नहीं आ रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो हमको तो अपना काम करते रहना है। देखिए मैंने बेस्ट का कितना अच्छा से यूज किया है अपने गार्डन में, मैं अलग से ये बता नहीं पाती, ये आप ज़रूर नोटिस करिएगा। ये टूटी हुई टोकरी है, एक टूटा हुआ वाटर फिल्टर का वो है कंटेनर कट करके, ये थर्माकोल है, इधर भी ये थर्माकोल में देखिए पोछा लगा कितने अच्छे से चल रहा है। उधर देखिए, ये सब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। अगर आपको पेंटिंग ना भी आती हो मेरी तरह, या टाइम कम हो, तो आप ऐसे डॉट डॉट भी बना दें तो प्यारे ही लगते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में। तो ओके फ्रेंड, आज की यही थी मेरी छोटी सी शायरी। मैं थोड़ी सी यहाँ झाड़ू लगा लूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, और ये सब काम तो चलते रहेंगे। और ध्यान रखिए अपना और अपनों का ढेर सारा। तो ओके फ्रेंड, बाय।